ओके वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया यूनिट लेने जा रहे हैं हम, केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस नीट एम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं इस यूनिट में से। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इसका लिंक बताऊँगा, द लिंक बिटवीन द न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। यू नो कि हमारी बॉडी जो है दैट इज मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गन्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स। ओके, जो हमारी बॉडी है, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स, नंबर ऑफ ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स क्या करते हैं, दीज ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट अमंग देमसेल्व्स। ये ऑर्गन जो है ये कोऑर्डिनेट करते हैं, दीज ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट अमंग themselves, आपस में ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं तो इस तरह से ये हमारे बॉडी का नॉर्मल होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है, इट मींस रेगुलेट्स द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। तो बॉडी इस तरह से हमारे बॉडी का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है, नॉर्मल होम्योस्टेसिस रेगुलेट होता है। कैसे हमारी बॉडी जो है, हमारे ऑर्गन जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, आप रास्ते से चल रहे थे, अचानक से आपने शेर देखा या अचानक से आपके सामने सांप आ गया, तो क्या होगा, अचानक से आपकी ब्लड, आपकी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके स्वेटिंग छूटने लगेंगे, आपके सांसें फूलने लगेंगे। दैट मींस एट अ टाइम आपकी बॉडी जो है वो अपने फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, वो अपने मेटाबॉलिज्म में एब्रप्टली चेंजेस करेंगे, जैसे कि हार्ट बीट का बढ़ना, पल्स रेट का बढ़ना, ऑक्सीजन कंजम्पशन का बढ़ना, ज्यादा से ज्यादा सांसें लेना, ब्रीदिंग रेट का बढ़ना। ये सब आपस में जो है डिफरेंट ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि सांसों का बढ़ना, हमारे लंग्स का फंक्शन, सर्कुलेशन का बढ़ाना, बीपी का बढ़ाना, ब्लड वॉल्यूम बढ़ना, वो किसका फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन। दैट मींस यहाँ पे हार्ट और हमारे लंग्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारे ब्रेन से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं वो इनको कोऑर्डिनेट करता है, हमारे मसल्स एक्टिविटी करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह से हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है बॉडी के, इंटरनल ऑर्गन्स एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे का मानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए ये हमारे बॉडी को उस समय में, उस क्रिटिकल कंडीशन में, उस क्रिटिकल सिचुएशन में हमारी बॉडी को ये नॉर्मल होम्योस्टेसिस, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखता है। अगर यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे बॉडी एक दूसरे, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो उस टाइम हमारी बॉडी जो है उसको डैमेज हो सकता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारी बॉडी है, इस तरह से यहाँ पे ये एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करते हैं वेरियस ऑर्गन्स थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स। तो यहाँ पे सबसे पहला सिस्टम जो है दैट इज द न्यूरल कोऑर्डिनेशन। दो सिस्टम्स हमारे बॉडी में चलते हैं। क्लियर, जो ऑर्गन्स हैं ये मेजॉरिटी दो सिस्टम से कोऑर्डिनेट किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज मेंटेनड बाय टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, वन इज नोन एज द न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंड इज नोन एज द केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर यहाँ पे न्यूरल कोऑर्डिनेशन था तो क्या जरूरत पड़ी केमिकल कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, सबसे पहले न्यूरल कोऑर्डिनेशन इट इज डन बाय द नर्वस सिस्टम, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स इस मैकेनिज्म को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा न्यूरल सिस्टम की, तो न्यूरल सिस्टम जो है इट प्रोवाइड्स द पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेक्ट, इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन मींस हो गया, दिस इज सच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हिच इज डन विद द हेल्प ऑफ अ बंच ऑफ न्यूरॉन्स, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टेक्ट मींस नेटवर्क ऑफ स्पेसिफिक न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके नेटवर्क से ये सिस्टम बनता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरल सिस्टम। ओके, और एक चीज पे क्या होता है, स्पेसिफिक न्यूरॉन्स के थ्रू, और एक चीज इसमें होता है, यहां पे दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज वेरी रैपिड, वेरी फास्ट, फास्ट एंड रैपिड टाइप, फास्ट एंड रैपिड टाइप, यानी कि जैसे ही, और ये स्पेसिफिक रहता है, इट इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, दैट मींस ऑर्गन टू ऑर्गन, स्पेसिफिक टू ऑर्गन्स, स्पेसिफिक टू ऑर्गन्स। ओके, कितने पॉइंट्स हो गए इसमें, पॉइंट टू पॉइंट, दैट इज दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द स्पेसिफिक टाइप ऑफ
नर्व्स नोन एज द न्यूरॉन्स. ओके वेरी फास्ट, बहुत फास्ट है ये, बहुत ही रैपिड एक्शन करता है ये. ठीक है एंड स्पेसिफिक टू ऑर्गन्स. एक और चीज यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है इसके जो न्यूरॉन्स हैं, ऑल द न्यूरॉन्स डू नॉट इनर्वेट टू द ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी. मैं लिखूंगा ऑल द न्यूरॉन्स, जो इसके सभी न्यूरॉन्स हैं, हर सेल के अंदर न्यूरॉन नहीं जा आप पूछता है. ठीक है फिर ऑल द न्यूरॉन्स डू नॉट इनर्वेट, ये भी एक रीजन है, इनर्वेट ऑल द न्यूरॉन्स डू नॉट इनर्वेट टू द to all cells of the body. तो हमारी बॉडी में ये फास्ट है. अगर कोई हमें स्लो मैकेनिज्म रखना होगा बॉडी में, तो अगर कोई काम स्लोली होती है तो उसके लिए कुछ और मैकेनिज्म होना चाहिए. या मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा ऑल द न्यूरॉन्स डू नॉट इनर्वेट, सभी न्यूरॉन्स इनर्वेट नहीं होती है बॉडी सेल्स में, कुछ सेल्स ऐसे भी रहती है जिनको कुछ और मैकेनिज्म चाहिए. तो इसलिए नेचर ने क्या रखा है यहाँ पे, एक और सिस्टम रखा है, दैट सिस्टम इज नोन एज द एंडोक्राइन सिस्टम. और एंडोक्राइन सिस्टम इट इज परफॉर्मड द एक्टिविटी ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन. दैट मीन्स केमिकल मीन्स ये कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, substances that is specific substances जिसको हम hormones बोलते हैं, जिसको हम hormones बोलते हैं. clear? nature ने क्या रखा है, एक और system हमारे body के अंदर जो various organs के बीच में coordinate करता है, और इसको हम बोलते हैं एक specific substance के through, उन substances को हम बोलते हैं hormones. तो क्या करूं अगर मुझे यहाँ पर difference बतानी होगी, what is the difference between the neural coordination and the chemical coordination. अब मैंने बोला neural coordination is very fast, very rapid. अगर मैं chemical coordination की बात करूंगा, it is slower than that of the neural coordination. मैं लिखूंगा यहाँ पे this is slower than neural coordination. neural coordination से ये slow है. अगर ये specific to organ है, यानी कि इसका जो effect है, its effects is long lasting. Its effect is long lasting. Whereas iska effect jo hai, that is the very fast effect, short lived. Neural coordination ka jo effect, that is short lived. Whereas iska effect jo hai, that is long lived. ठीक है? और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा all neurons do not innervate. सभी neurons नहीं पहुंच पाते हैं cells के पास. ठीक है? इसमें क्या होता है, ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इसमें ये सबस्टेंस जो है हार्मोन, इसको सिक्रेट किया जाता है ब्लड के अंदर. ठीक है दैट मींस ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट ऑल ओवर द बॉडी, दैट मींस द सेल्स, जहां पे भी इसका टारगेट ऑर्गन होगा वहां पे आके ये पहुंचता है. ठीक है एक और चीज जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है, दिस इज ये दोनों सिस्टम, अब यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिक कौन है हमारी बॉडी में, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. दैट मींस न्यूरल कोऑर्डिनेशन, दैट इज न्यूरल सिस्टम कंबाइन होता है हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ. मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज द न्यूरो सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों एक साथ काम करते हैं और बनाते हैं एक स्पेसिफिक सिस्टम हमारे बॉडी का, उसको हम बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी है इसका बनाता है ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है तो जो ये न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हार्मोन्स, उनकी एक्शन, उनकी ग्लैंड्स. क्लियर तो यहां पे मैं बताऊंगा जो हम इनके एक्शन वगैरह पढ़ते हैं, जो भी हम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी. Endocrinology, the study of endocrine system, the study of hormones, the study of glands, the study of their cells, the study of their diseases. सब कुछ जानने के लिए हम नाम देते हैं endocrinology. Okay? This was little about the introduction of the coordination. Now, इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे glands and hormones की. Glands and hormones. glands and hormones की अभी मैं बात करूंगा यहां पे. सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्लैंड. व्हाट इज अ ग्लैंड, ग्लैंड क्या होता है,
मालूम है किसी को व्हाट इज ए ग्लैंड, किस चीज को हम ग्लैंड बोलते हैं? ठीक है, हमारे बॉडी में फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, मालूम होगा आपको, आपने पढ़ा होगा. वन इज द एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड इज द कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड इज मस्कुलर, फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. जो ग्लैंड्स हैं, ऑल द ग्लैंड्स एस्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द आर मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू. याद रखना, दीज आर द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो अगर मुझे ग्लैंड डिफाइन करना होगा, कैसे मैं ग्लैंड को डिफाइन करूंगा? व्हाट एक्चुअली ग्लैंड इज, मैं लिख सकता हूं ग्लैंड जो है इट कुड बी अ सेल, ये कोई सेल हो सकती है, इट कुड बी अ टिश्यू, ये कोई टिश्यू भी हो सकता है, और इट कुड बी एन ऑर्गन, इट कुड बी एन ऑर्गन. ये जरूरी नहीं है कि ये ऑर्गन ही होगा, ये टिश्यू भी हो सकता है, ये सेल भी हो सकता है, और इट कुड बी ए ऑर्गन जो विच हैज, जिसके पास होगी सिक्रेटरी फंक्शन, विच हैज सिक्रेटरी फंक्शन. सिंपली अ ग्लैंड इज अ सेल, इट कुड बी अ टिश्यू, और इट कुड बी एन ऑर्गन विच हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सिक्रीशन. ठीक है, तो जब मैं ग्लैंड्स की बात कर रहा हूं, ग्लैंड्स की जब मैं क्लासिफिकेशन करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिक्रीशन, क्लियर, कौन सी टाइप की सिक्रीशन करता है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट्स. ठीक है, एक को मैं बोलता हूं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड. सेकंड को मैं बोलता हूं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड. ग्लैंड्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज द एक्सोक्राइन, सेकंड इज द एंडोक्राइन. जब मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करता हूं, व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ग्लैंड जो मैंने यहां यूज किया, दैट मींस ये सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी, ऑर्गन भी, व्हिच हैज अ सेक्रेटरी फंक्शन. अगर मैं इसके सेक्रेटरी फंक्शन की बात करूंगा, इट मस्ट सिक्रीट समथिंग, इट मस्ट सिक्रीट सम सब्सटेंसेस. लेकिन जैसे ये सिक्रीट करता है, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली, सॉरी, इनटू द ऑन द सरफेस, सिक्रीट देयर, मैं लिखूंगा एम पॉइंट, सिक्रीट देयर सिक्रीशंस, देयर सिक्रीशंस ऑन द सरफेस, सरफेस पे सिक्रीट करते हैं. ये कैसे सरफेस पे सिक्रीट, फॉर एग्जांपल हमारे स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन में है, एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड. क्लियर, हमारा स्टोमक, एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, हमारा लिवर, एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स, एग्जांपल ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. अगर हम स्वेट ग्लैंड्स देखेंगे तो वो सिक्रीशन जो है हमारे डायरेक्ट सरफेस पे करते हैं, सिक्रीशन हमारे स्किन के सरफेस पे. ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, दिस इज द स्टोमक, मैं स्टोमक की बात करूंगा, यहां पे मैंने आपको बताया था दिस इज द म्यूकोसा लेयर ऑफ द स्टोमक, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं. जब मैं गैस्ट्रिक ग्लैंड की एग्जांपल आपको बताता हूं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर एग्जांपल. ठीक है, यहां पे बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको सिक्रेटरी फंक्शन होती है. ठीक है, दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच हैज द सिक्रेटरी फंक्शन. ये सेल्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट देयर सिक्रीशंस इनटू दिस ग्लैंड, ओके, इनटू द ल्यूमेन, और इस सिक्रीशन को फिर कैरी किया जाता है ये एक स्ट्रक्चर से, दिस वन ये जो मैंने यहां पे बनाया हियर, ऐसे दिस इज नोन एज डक्ट. यहां पे सिक्रीशन पोर होगी और इस सिक्रीशन को कैरी किया गया दूसरे ऑर्गन में या कुछ एक ल्यूमेन के अंदर, तो ये सिक्रीशंस कैरी की जाती हैं थ्रू द स्पेसिफिक डक्ट्स, थ्रू द स्पेसिफिक डक्ट्स. यानी कि मैं लिख सकता हूं दीज आर दोज ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट्स देयर सिक्रीशन इन थ्रू देयर डक्ट्स ऑन द सरफेस. तो मैं बोल सकता हूं दीज आर नोन एज द ग्लैंड्स विद डक्ट्स, यस दीज आर नोन एज द ग्लैंड्स विद डक्ट्स, या दोज ग्लैंड्स व्हिच सिक्रीट देयर सिक्रीशंस ऑन द सरफेस through the specific pipeline, through the specific drainage, that drainage is known as ducts. Okay? तो ये एक example थी, ये हमारे पास exocrine ग्लैंड था. तो example अगर मैं बात करूंगा सर, example क्या क्या है, what are the examples of an exocrine gland? Okay? सब glands, जैसे कि liver is the example of, सबसे पहले मैं इनकी secretion की बात करूंगा, उसके बाद हम
लिवर की इसकी बात करेंगे, ग्लैंड की। एग्जाम्पल्स ऑफ देयर सिक्रीशंस, सिक्रीशंस के एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क सिक्रेट होता है फ्रॉम मिल्क ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। स्वेट, एयर वैक्स, एयर वैक्स, ठीक है। नाउ एंजाइम्स, ओके, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स, एंजाइम्स स्टोमक, एंजाइम्स लिवर, एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन्स, एंजाइम्स सलाइवरी, सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स, एयर वैक्स, एयर, स्वेट, स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, मिल्क, मेमोरी ग्लैंड्स। इस तरह से दीज ऑल आर द सेक्रीशंस ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, या ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, अगर आपसे कोई बोलेगा कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रीशंस, जो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उनके सेक्रीशंस के एग्जांपल, आप ऐसे भी बोल सकते हो ऑल द सेक्रीशंस विदाउट हार्मोन्स, ऑल सेक्रीशन विदाउट, ऑल सेक्रीशंस विदाउट हार्मोन्स, हार्मोन्स के, हार्मोन्स को छोड़ के जितने भी सेक्रीशंस बॉडी में हो रही है, दैट ऑल सेक्रीशंस आर एक्सोक्राइन ग्लैंड सेक्रीशंस, ओके। नाउ एंडोक्राइन पे आ जाओ, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स जस्ट अपोज टू दैट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सोक्राइन ग्लैंड। नाउ जब मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूंगा, नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड को जब हम देखते हैं, दिस आर ऑल्सो नोन एज द डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड, और सिंपली ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, ग्लैंड्स विदाउट डक्ट्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कैसे काम करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स? फॉर एग्जांपल इफ दिस इज ऑर्गन, ये कोई ग्लैंड है, सॉरी ये कोई ग्लैंड है, दिस इज द ग्लैंड, इस ग्लैंड के अंदर सेल्स हैं, दीज आर द सेल्स, इस ग्लैंड के अंदर यहां से सर्कुलेशन आती है, ओके, दिस इज द सर्कुलेशन इन दिस ग्लैंड, इसमें ब्लड होता है, ठीक है, और यहां पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इस ब्लड के थ्रू इसको, इन सेल्स को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, और ये सेल्स यहां पे क्या करते हैं, अपनी सेक्रीशन को पोर करते हैं, देयर सेक्रीशन, और जैसे ये सेक्रीशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में पोर करते हैं, ये डिफ्यूज होके इस ब्लड वेसल के अंदर चला जाता है, दीज सब्सटेंसेस व्हिच इज सेक्रेटेड फ्रॉम दीज एंडोक्राइन सेल्स, दीज आर द एंडोक्राइन सेल्स, सेक्रीशन द सेक्रेटेड सेक्रीशन इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन दिस ग्लैंड, एंड दिस सेक्रीशन देन डिफ्यूजेस into the blood vessel, ठीक है, इसके बाद ये blood vessel होती है, ये blood vessel जब इस organ से बाहर निकलती है, आई थी artery, change हो गई capillaries के अंदर, यहाँ पे इसने exchange of materials किया, यहाँ से hormones ले लिए, और ये in the form of vein की थ्रू वापस चली गई, which carries hormones। तो ऐसे glands को हम नाम देते हैं endocrine gland। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे endocrine gland क्या है? These are those glands which pour their secretion directly into the blood. Which pours their secretion directly into blood, directly into the blood. यहां पे ducts की जरूरत नहीं होती है, जैसे मैंने अभी बोला आपको exocrine gland में ducts की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे मैंने exocrine gland में अभी example बताई थी स्टोमक की, वहां पे डक्ट्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पे कोई डक्ट यूज नहीं हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे सिक्रेशन सेल्स ने किया, ऐसे ये सिक्रेशन डिफ्यूज होके इस ब्लड वेसल के अंदर चले गई और ये पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ओके। तो एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ने हैं हमें ये, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड्स है, थायमस ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ओके, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब एग्जांपल्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब हमें बाद में एक एक करके इलाबोरेटली करके पढ़ने हैं। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बेस ऑफ देयर सेक्रीशन। नाउ अगर मैं ग्लैंड्स की बात करूंगा, और दो टाइप्स ग्लैंड्स के हैं,
on the basis of number of cells present in the gland, ठीक है, on the basis of cellularity, one is the acellular, one is the acellular, second is the multicellular, acellular and multicellular gland. क्या gland एक cell का हो सकता है? कोई gland ऐसा है which is form of a single cell? Yes, there are certain goblet cells. Goblet cells, goblet cell, जो secrete करते हैं mucus, जो secrete करते हैं mucus, हमारे digestive system में important role play करते हैं ऐसे glands, ऐसे goblet cells. For example, this is the goblet cell. अगर ये goblet cell है, okay? तो ये secretion अपनी यहाँ पे pour करती है. ये इसकी secretion है. और ये secretion directly cell से बाहर चली जाती है. ठीक है? तो this is a acellular gland, single cell. Single cell act करती है as gland. Example is the goblet gland which secretes the mucus. ठीक है? These goblet cells are generally columnar cells. Sorry, cuboidal cells. Cuboidal cells. यानी कि modified form of cuboidal cells is the goblet cell. Now, मैं बात करूंगा multicellular की. ऐसे glands जो बहुत various number of types of cells के बने हैं. सबसे पहले endocrine gland. Endocrine glands, जितने भी endocrine gland है multicellular है. ठीक है? Pancreas is a multicellular gland. Salivary gland, majority of the glands जितने भी body में है, all belongs to the multicellular gland category. ठीक है? इसी तरह है liver, stomach, endocrine glands, सब इसके under category में आएंगे. ठीक है? तो अगर मैं बात करूंगा यहां पे coordination की in various animals, coordination in animal kingdom. Coordination in animals. एक छोटा सा point है. Chemical coordination in animals, various animals. तो अगर मैं animals की बात करूंगा, kingdom animals में major दो groups of animals आते हैं. One is the invertebrates. Invertebrates. Second is the class of vertebrates. अगर हम देखेंगे invertebrates, जिनमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता है. अगर हम इनवर्टेब्रेट्स की देखिए, जो इनका एंडोक्राइन सिस्टम होता है, दैट इज सिंपल सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम. क्यों सिंपल होता है? बिकॉज जो इनके हार्मोन्स हैं, दे हैव वेरी लेस, वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ हार्मोन्स, फ्यू नंबर ऑफ हार्मोन्स. इनके पास बहुत ही कम हार्मोन होते हैं. जैसे कि इंसेक्ट्स में कुछ हार्मोन देखे गए हैं मेटामॉर्फोसिस जो करते हैं काज, जैसे कि एग्डाइजोन. एग्जांपल एक हार्मोन की एग्डाइजोन एक इंसेक्ट हार्मोन है, इंसेक्ट हार्मोन जो इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस काज करता है. इसी तरह अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूंगा, वर्टिब्रेट्स में अगर हम कोऑर्डिनेशन सिस्टम देखेंगे, इनका जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है दैट इज कॉम्प्लेक्स टाइप. That is complex type. क्यों complex type है? Because various number of endocrine glands and they secrete their hormones. Various kinds of, various number of glands, various number of hormones are found in the vertebrate body. इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे इनका जो endocrine system है, that is very complex as compared to invertebrates. Okay? Now, glands हो गया. मैंने यहां पर ऊपर लिखा था glands and hormones. Now, hormones पे आ जाओ. What is a hormone? किसको हम बोलते हैं hormone? Now, hormone. If you know, hormone जो है एक Greek word, एक Greek term से निकला है ये. It's a Greek word known as हार्माइन. हार्माइन
हार्मोन वर्ड जो देखते हैं इसका मतलब होता है तो एक्साइट, एक्साइट करना किसी चीज को, एक्साइट करना, ठीक है। जब मैं हार्मोन देखता हूं, व्हाट इज हार्मोन एक्चुअली, तो हार्मोन की डेफिनेशन से पहले मैं लिखूंगा ये टर्म जो है हार्मोन टर्म किसने दिया था, हु क्वाइनड द टर्म, टर्म वॉज क्वाइनड बाय स्टार्लिंग, स्टार्लिंग ने सबसे पहले ये हार्मोन की टर्म दी थी, इसने ये नाम दिया था हार्मोन। डिस्कवरी की बात करने करूंगा, डिस्कवरी किसने किया था, बेलिस, उसका नाम था बेलिस और उसके साथ ये स्टार्लिंग था, बेलिस एंड स्टार्लिंग इन द ईयर 1902 डिस्कवरी किसने किया था हार्मोन की, बेलिस एंड स्टार्लिंग। बेलिस एंड स्टार्लिंग ने एक हार्मोन डिस्कवर किया था सबसे पहले, उसका नाम है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम डियोडिनम ऑफ जीआईटी, जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसका डियोडिनम पार्ट से सिक्रीट होता है, सिक्रेटिन जो पैनक्रियास पे एक्ट करता है, ये हार्मोन सबसे पहले डिस्कवर किया था बेलिस एंड स्टार्लिंग ने। सो मैं लिख सकता हूं दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, सबसे पहला जो हार्मोन डिस्कवर किया गया था उसका नाम है सिक्रेटिन। अगर मैं बात करूंगा यहां पर एंडोक्राइनोलॉजी टर्म, एंडोक्राइनोलॉजी, व्हाट इज एंडोक्राइनोलॉजी, सिंपली स्टडी ऑफ हार्मोन्स, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड देयर रोल यानी कि देयर फंक्शन, स्टडी ऑफ देयर डिजीज, सबको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। एक पर्सन था उसका नाम था थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ, आज भी फादर है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। इसने एक डिजीज डिस्कवर की थी, एड्रेनल कॉर्टेक्स की एक डिजीज है, वो हमें पढ़ना है आगे, तो इसने सबसे पहले ये डिजीज डिस्कवर की थी और इसलिए इसका उसको रखा गया फिर फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो अगर मैं हार्मोन की डेफिनेशन बताऊंगा, व्हाट एक्चुअली हार्मोन इज, हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर, इज ए केमिकल सब्सटेंस, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, एक केमिकल सब्सटेंस है। एक बात, तीन चार बातें आपको हार्मोन के डेफिनेशन में याद रखनी है, दिस इज ए केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है, विच इज सिक्रेटेड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, दैट इज बहुत ही कम क्वांटिटी में सिक्रेट किया जाता है, और इसका नेचर जो है इट इज नॉन न्यूट्रिटिव, इट इज नॉन न्यूट्रिटिव, यानी कि इट कुड नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू द सेल, सेल को ये कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, नॉन न्यूट्रिटिव है, सिक्रेटेड इन वेरी माइन्यूट सब कंसेंट्रेशन, मैं लिखूंगा यहां पर सिक्रेटेड इन very trace amount, बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट किया जाता है एक ऑर्गन से और एक्ट करता है टारगेट सेल पे। क्या बोला मैंने, केमिकल सब्सटेंस विच इज नॉन न्यूट्रिटिव, एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इंटरसेल्यूलर, इट इज इंटर एक्ट एज इंटरसेल्यूलर, ये एनसीईआरटी की न्यू डेफिनेशन है, दिस इज नोन एज द क्लासिकल साइंटिफिक डेफिनेशन, यानी कि न्यू साइंटिफिक डेफिनेशन, दिस इज द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, दैट मींस हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस नॉन न्यूट्रिएटिव इंटरसेल्यूलर सिक्रेटेड इन वेरी ट्रेस अमाउंट। व्हाट इज इंटरसेल्यूलर, जो सेल्स के बीच में, इन बिटवीन द सेल्स, जो सेल्स के बीच में एक्ट करता है, विच एक्ट्स इन बिटवीन द सेल्स, फॉर एग्जाम्पल दीज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, यहाँ पे और एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ये दो ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द केमिकल सब्सटेंसेस, इसी केमिकल सब्सटेंस को हम बोलते हैं हार्मोन, इसलिए मैंने बोला यहाँ पे हार्मोन जो है ये इंटरसेल्यूलर है,
इंटर से जुड़ा, याद रखना एग्जाम में आया था एक ऑप्शन थी वहां पे एक ऑप्शन में था इंट्रा सेलुलर, ठीक है वो पहली ऑप्शन थी, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, दिस इज इंटरसेलुलर विद इन द सेल्स। अगर इंट्रासेलुलर लिखा आपने दैट मींस अगर आपने इंटरसेलुलर लिखा विद इन द सेल, सेल के अंदर, इंटरसेलुलर इन बिटवीन द सेल, सेल्स के बीच में ये कम्युनिकेट कराता है सेल्स को, वेरी डिस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं ये, ठीक। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स। जब मैं हार्मोन्स के कुछ टाइप्स पे आऊंगा, ये हार्मोन जो है इसका नेचर अगर हम पहले देखेंगे, जो ये हार्मोन है ये हार्मोन लोकलाइज हार्मोन हो सकता है, इट कुड बी लोकलाइज अकॉर्डिंग टू इट्स एक्शन, कहां पे एक्शन करता है ये, इसका पाथ ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है मैं लिखूंगा इट कुड बी अ लोकलाइज हार्मोन, इट कुड बी सर्कुलेटरी, इट कुड बी लोकलाइज्ड हार्मोन, इट कुड बी सर्कुलेटरी हार्मोन। अगर मैं बात करूंगा लोकलाइज्ड हार्मोन्स की, लोकलाइज्ड हार्मोन क्लियर, तो लोकलाइज्ड हार्मोन, चलो पहले सर्कुलेटरी हार्मोन की बात करेंगे, सर्कुलेटरी हार्मोन तब जाके आपको ये अंडरस्टैंड इजी हो जाएगा। सर्कुलेटरी हार्मोन सिंपली ये कोई ग्लैंड है, अभी मैंने बताया ये सर्कुलेशन, यहां पे ये हार्मोन रिलीज हो गया, ओके इस हार्मोन ने यहां पे एंट्री मारी, डिफ्यूज हो गया इस सर्कुलेशन के अंदर, ये सर्कुलेशन है, यानी कि दिस इज वन ऑर्गन जिसको हम नाम देते हैं ग्लैंड। जब एक हार्मोन ग्लैंड से सीक्रेट हो जाएगा, एग्जांपल साथ साथ दूंगा मैं, मान लीजिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, सीक्रेट क्या करेगा मान लो LH, फॉर एग्जांपल LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे ब्रेन में सीक्रेट होता है, पिट्यूटरी हमारे ब्रेन में, तो वहां से सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर एग्जांपल दीज आर आवर टेस्टिस, ये टेस्टिस है और ये एक्ट करता है टेस्टिस के लेडिक सेल्स पे, दीज आर द लेडिक सेल्स, ठीक है, और ये जैसे ये FH आएगा यहां से, LH आएगा यहां से, LH ये एक्ट करेगा इन सेल्स पे, दैट इज ये लेडिक सेल्स इसके आने से करेंगे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी हार्मोन्स, which are secreted from one organ and acts on the other organ which are distinct to the gland. Secreted hormone is secreted by one organ, that is gland, and acts on target cell. जो target cell पे act करता है, which is far away, जो दूर रहती है, क्लियर, दैट मींस मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर्कुलेटरी हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं विच डायरेक्टली एंटर्स इन द सर्कुलेशन टू रीच, इन ऑर्डर टू रीच द टारगेट सेल, एंटर्स इनटू सर्कुलेशन एंड रीच टू टारगेट सेल, और टारगेट सेल के पास पहुंचेंगे भैया सर्कुलेशन। ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी हार्मोन्स, फॉर एग्जांपल LH, FSH, क्लियर। बहुत सारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं जो एक सेल से निकलते हैं, एक ग्लैंड से निकलते हैं और दूसरे सेल पे एक्ट करते हैं। व्हाट आर द लोकलाइज्ड हार्मोन्स, लोकलाइज्ड हार्मोन मींस क्या होता है, जो इसी ऑर्गन में सीक्रेट हो जाएंगे और अपने ही ऑर्गन के ऊपर एक्ट करेंगे, अपने ही नेबरिंग सेल्स के ऊपर एक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहां पर secreted in the gland and acts on nearby cells पे एक्ट करता है ये, क्लियर। ऐसे हार्मोन जो है लोकल हार्मोन्स डू नॉट एंटर इन सर्कुलेशन, ऐसे हार्मोन ज्यादातर सर्कुलेशन में एंटर नहीं होते हैं,
एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। मान लीजिए आप दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी क्या क्या, इसी के एग्जाम्पल हम लेते हैं। LH रिलीज किया पिट्यूटरी ने, वो ब्लड के अंदर आ गया, तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी, सर्कुलेटरी हार्मोन की। यहां पे टेस्टीज है, मान लीजिए दिस आर द टेस्टीज, टेस्टीज में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, दिस आर द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, ये हमें पढ़ना है जब हम गोनेट्स पढ़ेंगे। दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके जहां से स्पर्म्स बनते हैं। जैसे ये एलएच आया, यहां पे लीडिंग सेल्स है, दीज आर द लीडिंग सेल्स, ये लीडिंग सेल्स पे एक्ट करता है एलएच, और ये स्क्रीट करते हैं ये लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन, ये इनका टेस्टोस्टेरोन है, दिस इज द टेस्टोस्टेरोन, जैसे मैंने मैकेनिज्म यहां पे बताया। टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इसमें से कुछ टेस्टोस्टेरोन आके इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पे एक्ट करता है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल क्या बनाते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दैट मींस इसी ग्लैंड से सीक्रेट हो गया टेस्टोस्टेरोन और इसने एक्ट किया अपने ही नेबरिंग सेल्स पे, इसको हम बोलते हैं लोकलाइज्ड हार्मोन। क्या मैं लिख सकता हूं टेस्टोस्टेरोन इज लोकलाइज्ड हार्मोन, और ये टेस्टोस्टेरोन है ये ब्लड के अंदर भी जाता है, यहां से दिस इज द ब्लड वेसल, और ये एंटर करेगा ब्लड वेसल में और ये डिफरेंट पार्ट्स के पास जाएगा। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे टेस्टोस्टेरोन इज अ लोकलाइज्ड हार्मोन एज वेल एज अ सर्कुलेटरी हार्मोन, व्हाइल एज द पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन जितने भी है वो सर्कुलेटरी हार्मोन्स है। ओके, एग्जांपल क्या है इसकी, टेस्टोस्टेरोन, इसकी एग्जांपल क्या है, एलएच, एफएसएच, एसीटीएच, जीएच, जितने भी होंगे इसमें, ठीक है। तो ये लोकलाइज्ड एज वेल एज सर्कुलेटरी हार्मोन्स के बीच में डिफरेंस है। देन इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हार्मोन एंड द न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन एंड द न्यूरोट्रांसमीटर। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं मुझे कि और कोई एग्जांपल है क्या टेस्टोस्टेरोन के अलावा लोकलाइज हार्मोन की। यस, जब मैंने पढ़ा था सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन कहां से सीक्रेट होता है, डेल्टा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, किस पे एक्ट करता है, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स पे, क्लियर, ग्रुप ऑफ सेल्स, इसी ग्लैंड में अल्फा सेल्स भी होते हैं, बीटा सेल्स भी होते हैं और डेल्टा सेल्स भी होते हैं। डेल्टा सेल्स से हार्मोन सोमेटोस्टैटिन निकलता है और एक्ट करता है अल्फा एंड बीटा सेल्स पे। सो सोमेटोस्टैटिन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लोकलाइज्ड हार्मोन, याद रखना। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए उसका आंसर करना पड़ा। चलो सर, डिफरेंस क्या है एक हार्मोन और एक न्यूरोट्रांसमीटर के बीच में, न्यूरो ट्रांसमीटर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए हार्मोन एंड ए न्यूरोट्रांसमीटर, क्लियर। अगर मैं सबसे पहले हार्मोन की बात करूंगा, क्योंकि हमें आज लिंक करना है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम विद दैट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, क्योंकि ये हार्मोन जो है दिस इज द पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले डिफरेंस, एंडोक्राइन सिस्टम एंड न्यूरोट्रांसमीटर इज द केमिकल सब्सटेंस ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम, एक डिफरेंस न्यूरल सिस्टम, ओके, एक डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है, जो हार्मोन है, हार्मोन डायरेक्टली रिलीज होता है फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रिलीज्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्लियर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाइल एज द न्यूरोट्रांसमीटर, mostly neurotransmitter releases from the neurons, clear, एक न्यूरॉन है ये, this is the one neuron, okay, this is the another neuron, इनके बीच में जो स्पेस रहती है इसको हम बोलते हैं synaptic cleft,
ये न्यूरॉन से यहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से रिलीज होते हैं दूसरे न्यूरॉन पे एक्ट करते हैं, क्लियर, और क्या चलाते हैं केमिकल सिनेप्सिस, ठीक है। तो इस किस पे सीक्रेट होते हैं, एक और डिफरेंस यहाँ पे, हार्मोन्स आर सीक्रेटेड इन टू द ब्लड, सीक्रेटेड इन टू ब्लड, हार्मोन जो है वो कभी इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बीच में सीक्रेट नहीं होगा, व्हाइल एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम द न्यूरॉन्स इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, सीक्रेटेड इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जगह होती है उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके अंदर ये हार्मोन जिसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं स्पेस का पर्टिकुलर नाम है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ओके। और कोई डिफरेंस, हार्मोन जो है इनकी एक्शन स्लो रहती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिएक्शन रैपिड फास्ट होती है, क्योंकि ये किसका पार्ट है, न्यूरल सिस्टम का पार्ट, मैं लिखूंगा इट्स एक्शन इज स्लोअर, व्हाइल एज जो इसकी एक्शन है इट्स एक्शन इज फास्ट क्विक, क्लियर। और एक द एक्शन ऑफ हार्मोन इज लॉन्ग लिव्ड, इट इज लॉन्ग एग्जिस्टिंग, कुछ दिनों तक रहती है इसकी एक्शन, व्हाइल एज द एक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इज स्लोअर, इसकी ये लॉन्ग लिव्ड है या शॉर्ट लिव्ड है, सॉरी शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, जैसे ही सीक्रेट होते हैं अपने अपना फंक्शन करने के बाद गायब हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग लिव्ड है ये, क्या सभी हार्मोन्स लॉन्ग लिव्ड है, सभी हार्मोन्स लॉन्ग लिव्ड है एक्सेप्ट एक हार्मोन है जिसका नाम है एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन जो एड्रेनालिन कभी कभी न्यूरोट्रांसमीटर भी एक्ट करता है, ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है सर कि अगर कभी कोई न्यूरोट्रांसमीटर, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर ब्लड में पोर करेंगे इंस्टेड ऑफ द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, क्या उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे या हार्मोन कहेंगे, याद रखना उस टाइम हम उसको न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बल्कि हार्मोन कहेंगे। मैं पॉइंट लिखूंगा, इफ ए न्यूरॉन, इफ ए न्यूरॉन सीक्रेट सिटस या रिलीजेस द न्यूरोट्रांसमीटर इनटू ब्लड, उस टाइम वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं कहेगा कहलाएगा, उस टाइम वो कहलाएगा हार्मोन। जैसे कि हाइपोथैलेमस में से बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो सीक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड, इनटू द पिट्यूटरी ब्लड, तो उस टाइम उनको हम न्यूरोट्रांसमीटर नहीं, उस टाइम उनको हार्मोन्स हम कहेंगे। जब हम कल पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस तब जाके मैं आपको बताऊंगा उस टाइम, ठीक है। याद रखना अगर न्यूरॉन रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर, तब जाके वो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं वो हार्मोन है, ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था, आज हम इसी को कंप्लीट करेंगे हार्मोन की थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट को। नो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन, हार्मोन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, क्योंकि आपको आगे जाके हार्मोन ही पढ़ने हैं आप, तो वो आप लोगों को इसका ये जो प्रॉपर्टीज है वो मालूम होने चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर वन, जैसे मैंने अभी बोला, अब उन्हीं को हम सम अप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हार्मोन जो है इट इज नेचर इज एक्साइटिंग, ये जनरली जो मोस्टली जो है एक्साइटेबल सब्सटेंस है, इट इज एक्साइटेबल केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर, ओके, जो क्या करता है इट रेगुलेट्स द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। या तो ये सेल की फंक्शन को एनहांस करता है मोस्ट हार्मोन जो करते हैं, या कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो सेल की फंक्शन को सप्रेस करते हैं, ठीक है। दीज आर
secreted in very trace amount, very traces, बहुत ही कम अमाउंट में सिक्रीट करते हैं ये, ठीक है। वो डिपेंड होते हैं इनके सिग्नल पे, अगर स्टिमुलस उनको ज्यादा मिला है ग्लैंड को तो वो उस हिसाब से अपना हार्मोन रिलीज करेगा, लेकिन मोस्टली हार्मोन जो है वो ट्रेसेस अमाउंट में सिक्रीट किए जाते हैं, नियर अबाउट इन पिकोग्राम्स, पिकोग्राम्स, पिकोग्राम्स में सिक्रीट किए जाते हैं। इनकी सिक्रीशन जो है वो डिपेंड होती है ऑन द स्टिमुलस, क्या हार्मोन्स कंटिन्यूअसली सिक्रीट होते हैं 24 आवर्स, नहीं, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो जिनकी सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलस की बेस पे, दे आर प्रोड्यूस्ड, दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, जब इनको स्टिमुलस मिलता है ग्लैंड्स को, क्लियर, या तो सेंस ऑर्गन से या तो इंटरनल एनवायरमेंट से कोई चेंज आती है बॉडी में, तो वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे ब्रेन को, हमारा ब्रेन हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है, हमारा हाइपोथैलेमस हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स, और पिट्यूटरी हार्मोन डिफरेंट ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, ओके, इसी को बोलते हैं स्टिमुलस के द्वारा जो है वो हार्मोन रिलीज करते हैं, शाबाश। और कोई, दे आर नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर, याद रखना, नॉन न्यूट्रिटिव इन नेचर, इनका जो नेचर है वो नॉन न्यूट्रिटिव, ये सब्सटेंस सेल को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। एक और चीज, दे एक्ट इंटरसेलुलरली, इंटरसेलुलरली एक्ट करते हैं, कहते हैं कि इन बिटवीन द सेल्स, याद रखना। और एक प्रॉपर्टीज की, दे आर सिक्रीटेड बाय वन ऑर्गन, सिक्रीटेड by one organ या one cell या one tissue and acts on another target organ, acts on another target organ, clear। एक और property है hormones की, they mostly enhance the cellular activity, most hormones जो है mostly enhance, एनहांसिस बढ़ाना, सेल्यूलर एक्टिविटी, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ये हाँ ये पॉइंट मैंने यहां पर भी लिखा था, रेगुलेट्स द सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, डेफिशिएंसी या ओवर सिक्रीशन, दोनों कंडीशन में, नॉर्मल कंसेंट्रेशन से कम सिक्रीट हो जाएगा या नॉर्मल से ज्यादा सिक्रीट हो जाएगा, इररेगुलर सिक्रीशन जिसको हम लिख रहे हैं irregular, irregular secretions हो जाएंगी, they lead the serious diseases, lead some serious disorders, okay? So it's all about the introductory part of the neural chemical coordination and integration, ठीक है? तो अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ह्यूमन बॉडी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एक एक करके उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके लोकेशन पढ़ेंगे और उनके हार्मोन्स और उनकी फंक्शन पढ़ेंगे, ओके। तो आज के लिए काफी है, आज का लेक्चर यहाँ पे ही ऑफ करते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।